तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साइबर पंक एज रनर्स को, जो कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है और इसके 10 एपिसोड्स आए हैं। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक सिटी दिखाते हैं जहां हमें उधर ही एक साइबॉर्ग जैसा आदमी को दिखाया जाता है। जहां काफ़ी पुलिस कार्स खड़ी हुई होती हैं, वहीं वो साइबॉर्ग जैसा आदमी वहां आता है और उधर एक पुलिस वैन को मार देता है और फिर पीछे से और भी पुलिस वाले उस पर फायरिंग करते हैं, पर उस बंदे को कुछ नहीं होता है और फिर वो आदमी पुलिस वालों पर हमला कर देता है और एक पुलिस वाला बताता है अपने ऑफिशियल्स को कि यहाँ एक साइबर साइको आ चुका है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये बंदा एक साइबॉर्ग है। और तब तक वो आदमी सबको गाजर मूली की तरह काट रहा था। फिर हम देखते हैं कि वही साइबर साइको कुछ एक्टिवेट करता है और उसकी बैकबोन में कुछ होता है और अचानक से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो और भी फास्टली पुलिस को मार रहा होता है, पर ऊपर से स्पेशल फोर्स अटैक करके उसको ठिकाने लगा देते हैं। और तभी एक बॉय को दिखाते हैं जो कि अचानक से सपना देखकर जागता है और उसे रिपर डॉग नाम के किसी आदमी का कॉल आता है और वही लड़का बताता है कि मेरा सिर घूम रहा है। हमें पता चलता है कि उसने अपने माइंड में एक चिप इंसर्ट की हुई होती है। फिर थोड़ी देर बाद उसी लड़के को दिखाते हैं जहां उसके पास रेंट के पैसे नहीं होते हैं। बाय द वे इसका नाम डेविड है। फिर वो अपनी मॉम से बात करता है और उसकी मॉम नाइट शिफ्ट करके घर आई हुई होती हैं और उसकी मॉम कहती हैं कि मैं कल बिल भर दूंगी। बाय द वे तुम्हें अपनी क्लास के लिए अपडेट चाहिए था ना? डेविड बोलता है डॉग सब ठीक कर देगा, जहां उसकी मॉम बोलती हैं कि मुझे आज सैलरी मिलेगी तो सब अपडेट कर देना। तभी उसकी मॉम टीवी पे न्यूज़ देख रही होती हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एक पुलिसमैन की बॉडी गायब हो चुकी होती है, जहां हमें पता चलता है डेविड की मॉम पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करती हैं। मॉम उसको स्कूल जाने को बोलती हैं। फिर डेविड बाहर निकलता है और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं और हमें सराउंडिंग की चीज़ें दिखाते हैं जहाँ क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। फिर डेविड को कुछ महसूस होता है और फिर वो एक लड़की को देखता है पीछे से, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, और जब वो वहाँ पास से देखने जाता है तब वो नहीं मिलती है। तभी डेविड स्कूल जाता है और उधर वर्चुअल टीचर अटेंडेंस लेती है सब बच्चों की। फिर वहीं डेविड कात्सुओ नाम के स्टूडेंट से किसी टेक्नोलॉजी कॉल के ज़रिए बात कर रहा था। अब क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है तो इसमें बहुत सी अलग अलग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं। खैर, टीचर बोलती हैं कि मेडिटेशन करने के लिए ग्रीन रूम में लॉगिन करने को, पर उधर एक टेक्निकल ग्लिच होता है जो डेविड की वजह से होता है और प्रॉबेबली उसके चिप से वायरस पूरे टेक्नोलॉजी में फैल गया था। फिर डेविड की मॉम प्रिंसिपल से माफ़ी मांगती हुई दिखाई जाती हैं कि डेविड ने ऐसा कुछ किया है और उसकी मॉम बोलती हैं मैं पैसे चुका दूंगी। फिर प्रिंसिपल बोलता है डेविड का हेडसेट शायद बैक एरी सॉफ्टवेयर से मॉडिफाई किया गया है ताकि उसे लाइसेंस्ड अपडेट के लिए पैसे ना देने पड़े, और मेरे ख्याल से ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है, एम आई राइट? जिस पे उसकी मॉम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो फीस भर देगी। और फिर प्रिंसिपल बोलता है डेविड की अपने क्लासमेट से जमती नहीं तो उसे ट्रांसफ़र करें, पर उसकी मॉम मना कर देती हैं कि नहीं, वो यहीं पढ़ेगा। फिर वो दोनों कार से घर वापस जाते हैं जहाँ उसकी मॉम पूछती हैं कि तुमने अपडेट क्यों नहीं किया। डेविड बोलता है कि डॉग की गलती है, उसने मुझे ख़राब ड्राइव दी, और डेविड की मॉम उसको डांटती हैं, पर डेविड भी अपनी माँ का मगरमच्छ होता है जो कि ध्यान नहीं देता। डेविड बोलता है कि मैं स्कूल ड्रॉप करके काम पे लग जाता हूँ क्योंकि हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते, ऊपर से रेंट भी देना है और अब जो फीस का चक्कर हो गया है वो भी, और वैसे भी लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहाँ। उसकी मॉम सैड होती हैं और बोलती हैं कि क्या फ़ायदा मेरी इतना मेहनत करने का, मैं रोज़ काम करती हूँ, रोज़ नाइट शिफ्ट जाती हूँ ताकि तुम पढ़ सको और इस सिटी में सर्वाइव कर सको और इतनी मेहनत करो जिससे अरासका टावर पे अपना एक फ्लोर हो। तभी अचानक से एक साइबर साइको दूसरी वैन पर अटैक कर देता है जहाँ डेविड की कार को डैमेज होता है और यहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद डेविड की आँख खुलती है तो वो खुद को कार में फंसा हुआ पाता है और डेविड की मॉम बाहर रोड पर गिरी हुई होती हैं, पर ट्रॉमा टीम आती है पर उनकी हेल्प नहीं करती। फिर हमें थोड़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, उन्हें होश नहीं आया पर वो ठीक हैं। अब यहां पे डेविड उनसे मिलने की बात करता है लेकिन वो डॉक्टर बताता है कि आपके पैकेज में ये अलाउ नहीं है, और डॉक्टर ये भी बोलता है कि 3 दिन में बिल भर देना, ये नाइट सिटी है, इधर सबको इंश्योरेंस चाहिए होता है। फिर डेविड घर जाता है पर रेंट नहीं दिया होता है इसलिए डोर नहीं खुलता, तो वो पीछे की एक विंडो से घुस जाता है। फिर डेविड डॉग से बात करता है जहां वो उसे चिप बेचता है जिसे वो रेंट पे कर पाए। तभी डेविड साइबरवेयर को देखता है जो कि डॉग ने उसे भेजा होता है। फिर डेविड बाहर जाता है और वहां उसे उसके क्लासमेट मिलते हैं और वो उसे बुली करते हैं और बोलते हैं स्कूल से चले जाओ, तुम जैसे गरीब लोग फ़ी नहीं पे कर पाते,
डेविड बोलता है, जब तक फीस दे रहा था तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी। कात्सुओ बोलता है कि तुम्हारी मॉम कल भीख मांग रही थी प्रिंसिपल से तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हें एक्सपेल ना करें। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अरास्का एकेडमी में कैसे भेजा, कैसे फ़ी भरती हैं, नाइट सिटी के गंदी गलियों के लोग पैसे कैसे कमाते हैं। इसी तरह वो डेविड को टीज़ करता है और उसकी मॉम के बारे में काफ़ी सारी उल्टी बातें बोलता है और डेविड वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कात्सुओ उसे बोलता है, तुम्हारे स्लॉट में कोई सस्ती चिप है? और तभी कात्सुओ डेविड को मारता है और बोलता है, कुंगफू चिप वेयर सच में कमाल है। अब यहाँ पे कात्सुओ डेविड को काफ़ी ज़्यादा मार देता है, क्योंकि उसके पास अच्छी चिप थी तो उसके पास बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा थे। और फिर डेविड के पास कोई चिप ना होने की वजह से वो हार जाता है और फिर वो लोग उसे उल्टा सीधा कह के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर डेविड क्लिनिक जाता है, जहाँ डॉक्टर बोलता है कि वो सुबह तो ठीक थी पर तभी उनकी नब्ज़ गिरने लगी, डिस्काउंट पैकेज में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, तो तुम सेमेट्री वालों से कॉन्टैक्ट कर लो। और फिर वो सेमेट्री में जाता है और डेविड अपनी मॉम की आहुति लेके चल रहा होता है और उसकी फ़ी, रेंट सब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और उस पर पैसे चुकाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और अगर वो नहीं चुकाते पैसे तो उसके सर्विसेज बंद होने लग जाएंगी। फिर वो घर जाता है, जहां वो कुछ कस्टमर से बात करता है कि उसके पास रखे इम्प्लांट बेचने की, पर डील नहीं होती है और वो सब कुछ सोच रहा होता है कि इतने कम टाइम में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। फिर डेविड डॉक के पास जाता है वही साइबरवेयर लेके, और डॉक बोलता है, तुम इसे अकेले नहीं बेच सकते। डेविड बोलता है, मैं इसे बेचने नहीं आया हूँ, मुझे इसे फ्यूज़ करना है अपनी बॉडी में, अब मेरा भी अपडेट आएगा। और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, के लिए सायोनारा, के लिए सायोनारा, के लिए सायोनारा, के लिए सायोनारा।